तो एयर एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है और आज हम एलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी वो कराऊंगी जो इसमें हमारे कोफिशिएंट जो है इंटरचेंज होकर आते हैं। ये सब मैंने आपको बताया था, जैसे एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू दे रखी है तो आपको बताना है एक्स की क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब की वैल्यू। उसी तरीके से अगर एक्स माइनस वन बाय एक्स दे रखा है तो एक्स की क्यूब माइनस वन बाय एक्स की क्यूब की बताओ या स्क्वायर में बताओ। यानी कि अब तक जो मैंने आपको बताया उसमें बताया जब कोफिशिएंट क्या होता है हमारे सेम होते हैं, यानी कि अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन है तो डिनोमिनेटर में भी दूसरी जो टर्म है उसका भी कोफिशिएंट क्या होगा सेम होगा, यानी कि या फिर हम बोल सकते हैं दोनों टर्म क्या होती है सेम होती है। तो उसका मैंने बताया, आज मैं आपको बताऊंगी अगर ये दोनों टर्म हमारी क्या हो डिफरेंट हो तो हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में कराया है एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराती हूँ मैंने अब तक जो आपको कराया है, उसके बाद फिर हम ये फाइव क्वेश्चंस देखते हैं। फाइव क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, मोस्टली एसएससी सीजीएल और एलडीसी वगैरह में आए, तो मैंने वहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे और उसी में से ये फाइव क्वेश्चंस लिए हैं जो मैं आपको कराऊंगी। पहले एक बार मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ क्या है, उसके बाद मैं फाइव क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगी। देखो मैंने अब तक आपको क्या बताया था कि अगर आपको x प्लस वन बाय एक्स की कोई वैल्यू दे रखी है सपोज a, उसी तरीके से x माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, एक तो आपसे क्या पूछ सकता है कि स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो मैंने कहा था अगर सेम साइन होता है जो गिवन वैल्यू होती है उसको स्क्वायर कर देते हैं माइनस टू, वही अगर क्यूब पूछता है तो एक्स की क्यूब प्लस वन बाय एक्स की क्यूब करते हैं, जो गिवन वैल्यू होता है उसका क्या कर दोगे क्यूब माइनस में थ्री इंटू में जो गिवन वैल्यू है, ठीक है। उसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है x की 4 प्लस 1 बाय x की 4 बता, तो मैंने कहा था जो गिवन वैल्यू है वही उसका स्क्वायर करोगे, यानी कि पहले x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे और फिर उससे हम निकालेंगे x की 4 प्लस 1 बाय x की 4। उसी तरीके से एक पूछा इसमें x की 5 प्लस 1 बाय x की 5 की वैल्यू बता, तो मैंने क्या कहा था कि 5 प्लस 1 बाय x की 5 पूछे तो एक बार तो तुम्हें स्क्वायर वाली वैल्यू निकालनी है और एक बार तुम्हें क्यूब की वैल्यू निकालनी है और जो गिवन वैल्यू है उसको क्या कर देना है माइनस कर देना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर तुम्हें x माइनस वन बाय x की फॉर्म में देता है और तुमसे पूछता है x स्क्वायर प्लस वन बाय x स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो जो गिवन वैल्यू है उसका स्क्वायर क्योंकि अपोजिट साइन है तो प्लस टू, वहीं पर अगर तुमसे पूछता है x की क्यूब माइनस वन बाय x की क्यूब बताओ तो जो गिवन वैल्यू है उसका तो क्यूब करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस में कर दोगे थ्री इंटू में जो गिवन वैल्यू है, ठीक है। अब तक हमने इन पे क्वेश्चंस देखे थे, अब हम देखते हैं इनमें देखो सब में क्या है हमारा जो कोफिशिएंट है वो क्या है सेम है, कोफिशिएंट सेम कोफिशिएंट सेम कोफिशिएंट सेम, जो दोनों टर्म है दोनों टर्मों का कोफिशिएंट क्या है सेम है। अगर कोफिशिएंट डिफरेंट हो जाए तो क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बेसिक हमारा यही रहेगा, यानी कि अगर प्लस में वैल्यू दे रखी है प्लस में पूछा है तो गिवन टर्म का स्क्वायर करोगे माइनस में टू करोगे, लेकिन अगर टर्म डिफरेंट है तो थोड़ा सा अंतर आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमें दे रखा है 2p plus 1p equal to 4, 2p plus 1p equal to 4, दोनों टर्म का कोएफिशिएंट सेम है, नो दोनों टर्म का कोएफिशिएंट क्या है डिफरेंट है, और हमसे पूछ क्या है पूछ रहा है हमसे p की क्यूब प्लस 1/8p। अब देखो ये देखते मुझे ये तो समझ में आ गया कि मेरा क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, बस थोड़ा सा हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई यहाँ पे दे रखा है 2p plus 1/p और मैम आपने तो अब तक बताया था कि p plus 1/p की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, तो अब उसे हमें चेंज करना है कैसे करते हैं, p की क्यूब प्लस 1/8p की क्यूब, तो ये हमारा 2p है, ये हमें पता है 2p की क्यूब करेंगे तो 2p क्यूब कितना आता है 8 और p की क्यूब इट मींस 8p की क्यूब हमारा कॉमन सेंस है कि 2 का क्यूब करके आ जाएगा, बट ये मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में और यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में, तो मैं पहले इसे क्या करूंगी सॉल्व करूंगी, मुझे 2 नीचे चाहिए तो मैं क्या करूँ पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से क्या करूँ डिवाइड कर दूँ, तो मैंने क्या करा पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया किससे बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरा देखो 2p अपॉन में 2 करोगे प्लस 1 अपॉन यहाँ पे 2 ये हो जाएगा यहाँ पे 4 बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल और 2 टू जब तुम्हारा 4 तो p प्लस में कितना हो जाएगा 1 बाय 2p इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो अब क्यूब निकालना है तो बेसिक क्यूब करेंगे तो पी की क्यूब प्लस इसका क्या जाएगा 2p की क्यूब 8p की क्यूब, अब जब क्यूब करते तो मैंने क्या बोला था प्लस प्लस होता है तो जो सेम वैल्यू होती है उसका तुम क्या कर दोगे क्यूब, यानी कि 2 का तुम क्या कर दोगे क्यूब
माइनस थ्री इंटू मैंने बोला था सेम वैल्यू जो गिवन वैल्यू होती है उसका करते हैं, लेकिन हमें पता है इधर हमारे जो टर्म में वो कौन सी आके माइनस होती थी, माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी वाली, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट डिफरेंट है तो तुम यहाँ पे दोनों कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दो और ब्रैकेट में इन दोनों का प्लस है बोले दो। तो देखो ये हमारा देखो पी से तो पी कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा टू की क्यूब यानी कि एट माइनस थ्री, तो तुम्हारा आंसर कितना जाएगा फाइव। आया समझ में नहीं आया? नहीं आया चलो एक बार क्वेश्चन देखो। अब मैंने क्या दे रखा, एक तुम्हें पहला ही क्वेश्चन है, पहले तो याद रखना फाइव के फाइव क्वेश्चन जो अब तक पेपर में आए हुए हैं वो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ताकि तुम्हें कोई ऐसा लगे कि मैं अपने पास से इजी इजी से क्वेश्चन बना के सोल्व करा देती हूँ। ये क्वेश्चन वो है जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें टू पी प्लस वन बाय पी इक्वल टू फोर और तुमसे पूछा पी की क्यूब प्लस वन बाय एट पी की क्यूब बताओ, ठीक है। तो देखो कॉपिश अब तुझे पता है क्योंकि भाई ये मेरा क्यूब करके फॉर्मूला आएगा, क्यूब का फॉर्मूला मुझे पता है, सेम साइन दे रखा है तो गिवन वैल्यू थी उसकी क्यूब कर देते हैं माइनस में थ्री इंटू गिवन वैल्यू, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट डिफरेंट हो गए तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जैसे क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने कोफिशिएंट को इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मेरा जो टू की क्यूब है वो डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे टू किस में दे रखा है, ऊपर डिनोमिनेटर में, तो मैंने सिंपली क्या करा इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया टू से। जब मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगी टू से तो टू से टू कैंसिल इधर में आ जाएगा पी और यहाँ पे वन बाय टू पी और ये मेरा इस फॉर्म में बन गया कि अगर मैं इसकी क्यूब करूँ तो मेरा डिनोमिनेटर में एट पी की क्यूब आ जाएगा। अब क्यूब के बाद मुझे सेम पता है जो हमने अब तक करते आए हैं कि भाई क्यूब पूछा है तो गिवन वैल्यू उसकी क्यूब कर देंगे माइनस में थ्री, क्योंकि इस बार हमारा कोफिशिएंट क्या है डिफरेंट है, जब कोफिशिएंट डिफरेंट है तो माइनस में हमारी इधर से कौन सी टर्म आगे माइनस होती थी थ्री ए बी और ब्रैकेट में जो होता था ए प्लस बी, वही तुम्हें यहाँ पे सेम टू सेम फॉलो करना है। तो ए की जगह पी, बी की जगह वन बाय टू पी और जो उसकी गिवन वैल्यू वो तो हमने सोल्व करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा फाइव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू एक्स प्लस वन बाय सेवन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है फोर, टू एक्स प्लस वन बाय सेवन एक्स की वैल्यू दे रखी है फोर और तुमसे पूछ रहा है बताओ 49x स्क्वायर प्लस 1 बाय 4x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब देखो कोफिशिएंट डिफरेंट होगा, कोफिशिएंट डिफरेंट है तो पहले हमें देखने की जो वैल्यू पूछी है उसके अनुसार कोफिशिएंट हमारे अरेंज हैं या फिर हमें अरेंज करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, बट 7 यहाँ डिनोमिनेटर में है और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ये यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर की। कोफिशिएंट हमारे इंटरचेंज भी है और अरेंज भी नहीं है, वो हमें अरेंज भी करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे 7 यहाँ पे चाहिए और 2 नीचे, तो मैं क्या करूंगी उस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 7 बाय 2 कर दूंगी, ठीक है। तो भी टू देखो 2x को जब मैं 7 बाय 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 2 से 2 कैंसिल 7x और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। सेम है मैंने यहाँ पे 1 बाय 7x को मल्टीप्लाई करा 7 बाय 2 से 7 से 7 कैंसिल 1 बाय 2x 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और यहाँ पे 4 इंटू 7 बाय 2 2 2 जा 4 7 2 जा 14 इट मीन्स मेरा बन गया क्या, ये बन गया मेरा 7x प्लस 1 बाय 2x की वैल्यू दे दी 14। अब जो मेरे से पूछ रहा है कितना पूछ रहा है 49x स्क्वायर प्लस 1 बाय 4x स्क्वायर, तो ये इसके स्क्वायर करने से क्या है ना इट मीन्स मैं d1 वैल्यू का क्या कर दूंगी स्क्वायर, क्योंकि सेम साइन है तो माइनस में हम पहले क्या करते थे सिंपल 2, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट डिफरेंट है तो जो दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या माइनस होगा 2ab यानी 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 7 एक्स इंटू में बी की वैल्यू कितनी है 1 बाय 2x, तो x से x कैंसिल 2 से 2 कैंसिल 14 का स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा 196, ठीक है। माइनस में तुम कितना कर दोगे 7, इट मीन्स तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 189, ठीक है। कितना आंसर आ गया 189। आगे समझ में, चलो अब अगला वाला देखते हैं। ये बोल रहा है x प्लस 1 बाय 4x की वैल्यू दे रखी है 3 बाय 3, x प्लस 1 बाय 4x की वैल्यू कितना दे रखा है 3 बाय 3 और हमसे बोल रहा है कि तुम्हें फाइंड आउट करना है 8x की क्यूब प्लस 1 बाय 8x की क्यूब। कोफिशिएंट डिफरेंट है बट सेम है, वैल्यू जो है तुम्हारी सेम है। अब देखो 8x की क्यूब 8x की क्यूब को 8 किसकी क्यूब होता है 2 की, इट मींस मुझे दोनों जगह क्या चाहिए 2, बट यहां पे मुझे क्या गिवन है x और यहाँ पे 4x, तो मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ जो गिवन इक्वेशन है से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 बाय 2x
इक्वल टू 3 बाय 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 2 से 2 कैंसिल, इट मींस 2x प्लस 1 बाय 2x कितना हो गया 3। अब इसके क्यूब निकालना है सिंपल, तो भाई 8x क्यूब प्लस 1 बाय 8x क्यूब प्लस प्लस एंड की जो गिवन वैल्यू है उसका क्या करोगे तुम, क्यूब माइनस में 3 इनटू में जो गिवन वैल्यू है, क्यों बराबर करेंगे इस वजह से कोफिशिएंट हमारे जो दोनों टर्म है वो क्या है सेम है इस वजह से, ठीक है। अगर कोफिशिएंट दोनों में डिफरेंट होते तो मैं सेम करती 3 इनटू ab और a प्लस b, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 9, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 18। आई समझ में? अब देखो सेम तुम जैसे इसे कर सकते हो, देखो 3x इसमें तुम्हारा क्या दे रखा है, ये बोला तुम्हें कि 3x प्लस 1 बाय 2x की वैल्यू दे रखी है 5, और हमसे पूछ रहा है 8x की क्यूब प्लस 1 बाय 27x की क्यूब, कोफिशिएंट डिफरेंट, ओके 8 किसकी क्यूब होता है 2 की, यहाँ पे 2 आना चाहिए, 27 किसकी क्यूब होता है 3 की, तो इट मींस डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए 3, तो कोफिशिएंट डिफरेंट भी और इंटरचेंज भी करने पड़ेंगे, तो हमें यहाँ पे 2 चाहिए, इट मींस मैं मल्टीप्लाई तो करूँ किससे 2 से और डिवाइड किससे कर दू 3 से, मेरा कितना हो जाएगा 3x को मल्टीप्लाई 2 बाय 3, 3 से 3 कैंसिल कितना देगा 2x प्लस, जब इसे 1 बाय 2x को 2 से 2 कैंसिल 1 बाय 3x और इक्वल टू 5 टू 10 बाय 3, ठीक है। अब इसकी क्यूब चाहिए, तो क्यूब के लिए हमें पता ही है हमें क्यूब चाहिए, तो जो गिवन वैल्यू है तुम उसकी क्या कर दोगे क्यूब, प्लस से प्लस में जा रहा है तो माइनस 3, क्योंकि कोफिशिएंट डिफरेंट है इस वजह से वही a इंटू बी 2x इंटू 1 बाय 3x, ब्रैकेट में हम क्या लिखते थे जो गिवन वैल्यू होती थी वो कितनी है 10 बाय 3, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 10 की क्यूब कितना 1000 अपॉन में 3 की क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस में तुम्हारा कितना आ जाएगा 20 बाय 3, ये हो जाएगा कितना 27 और ये कितना हो जाएगा 1000 माइनस 3 9 जाए 27 9 2 जाए 80 180, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 820 अपॉन में 27, ठीक है। अब देखो ऐसे तुम्हारा फिफ्थ वाला है, इसमें देखो तुम्हें दे रखा है 2x प्लस 2 बाय x की वैल्यू कितनी है 3, तो तुमसे बोल रहा है बताओ x की क्यूब प्लस 1 बाय x की क्यूब प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, तो देखो कोफिशिएंट क्या है सेम, यहाँ पे क्या है डिफरेंट, तो अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं किससे 1 बाय मतलब मल्टीप्लाई कर दूं किससे 1 बाय 2 से, तो 2x 2 से 2 कैंसिल x प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल 1 बाय x और ये कितना हो जाएगा 3 बाय 2। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो गिवन वैल्यू को क्यूब करेंगे, गिवन वैल्यू का क्या कर दोगे तो क्यूब माइनस 3, अगर कोफिशिएंट सेम होते हैं तो जो गिवन वैल्यू होती है उसका मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 3 की क्यूब 27 2 की क्यूब 8 माइनस 3 3 का 9 बाय 2, तो एलसीएम कितना जाएगा 8 27 माइनस 36 कितना जाएगा माइनस 9 बाय 8, ठीक है। बट हमें वैल्यू किसकी पूछ रहा है x की क्यूब प्लस 1 बाय x की क्यूब प्लस 2 और जो तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।